सो हे गाइस, दिस इज संजय चौहान। कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। पिछले ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया था कि मेरे विलेज में पुल का काम चला हुआ है, पर अभी जिस वक्त मैं ये वाला ब्लॉग शूट कर रहा हूँ वो ब्रिज कम्प्लीटली बनकर तैयार हो चुका है, और साथ ही टूरिज्म को रीओपन करने के लिए गवर्नमेंट का अप्रूवल भी मिल चुका है। तो अभी अगर आप विजिट करते हो, इट्स टोटली सेफ गाइस। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दूंगा अपने होम स्टे का फुल्ली डिटेल्ड टूर। तो दोस्तों, हमारा ये होम स्टे लोकेटेड है एक बहुत ही प्यारी सी वैली में। हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में एक वैली पड़ती है जिसका नाम है सैंज वैली। वहाँ पे एक विलेज है न्यूली में लोकेटेड है हमारा ये होम स्टे, जो कि चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। तो दोस्तों, ज्यादा देरी नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट ले चलता हूँ आपको गेट के अंदर। चलो, मैं आपको चारों तरफ एक बार दिखा देना चाहता हूँ। हर तरफ आपको ग्रीनरी ही ग्रीनरी मिलेगी। हमारे एक्सपीरियंस के थ्रू हम बता सकते हैं इतना कि हमारे गेस्ट को ये चीज बहुत ज्यादा पसंद आती है। और यहाँ पे स्पेस भी बहुत दिया हुआ है, झूले वगैरह सब है, और पूरा पहाड़ों के बीच में प्रॉपर वैली में महसूस होता है। तो जो मजा लेने हम आते हैं प्रकृति का, वो है पूरा फैमिली फील आया। बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पे, और प्लस खाना बहुत अच्छा है, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, और सबसे अच्छा पानी भी है पूरा, और सबसे अच्छा वाटरफॉल भी है, पानी भी है। अनी तो यहाँ पर एक्वा गार्ड और की जरूरत ही नहीं है, यहाँ आके आराम से पानी पियो, एंजॉय करो बस। और दोस्तों, इसी के साथ साथ हमारा इंस्टाग्राम पे एक पेज है, पिन पार्वती ग्रेट हिमालयन होमस्टे करके पेज। यहाँ पे हम हमारे जो गेस्ट आते हैं उनके रिव्यूज उन्हीं की जुबानी पोस्ट करते हैं, तो आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा जो ये होमस्टे है वो कितने सारे फेमस टूरिज्म प्लेसेस के नजदीक में पड़ता है, मतलब कि यहाँ से आप कितने सारे फेमस टूरिज्म प्लेसेस को इजीली विजिट करके शाम में वापस आ सकते हो। ऐसे टूरिज्म प्लेसेस के नाम बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला नाम है शांगढ़, जो कि एक बहुत फेमस टूरिज्म प्लेस है। यहाँ पे बहुत सारे आपको एनिमल्स, बर्ड्स, सब कुछ मिल जाएगा देखने को। बहुत बड़ा ग्राउंड है हमारे सचूर महादेव का। उसके बाद आता है शेंशर, जहाँ पे मनोऋषि टेम्पल है, ये भी एक बहुत फेमस टूरिज्म प्लेस है। फिर आता है रैला, रैला में आता है ट्विन टावर ऑफ रैला, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, और वहाँ पे वाटरफॉल भी मिल जाएंगे आपको बहुत जगह जगह, भाटकंडा। और सैंज वैली में एक बहुत ही फेमस विलेज है जिसका नाम है देवरी विलेज, जहाँ पे आपको एक लेक देखने को मिलेगा जिसका नाम है पुंडरिक लेक। और हमारे होमस्टे से थोड़ा सा ट्रैक करने पे आपको मिलेगा एक और लेक जिसका नाम है सारा लेक, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। इस होमस्टे से आपको ट्रैकिंग ऑप्शंस भी बहुत नज़दीक मिल जाएंगे, आप रात को स्टे कर सकते हो और सुबह जाके ट्रैक कर सकते हो इजीली, और अगर आपका मन करे शाम में वापस आने का वो भी हो सकता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नज़दीक है ट्रैकिंग ऑप्शंस के भी। और इसी के साथ साथ लॉन्ग ट्रैक के भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस है यहाँ पे, जो कि यहीं से स्टार्ट हो जाते हैं। इन टूरिज्म प्लेसेस के अलावा जो फेमस टूरिज्म प्लेसेस है जैसे कि कसोल, मणिकर्ण, मनाली, यहाँ पे भी आप सुबह जाके घूम सकते हो और अप डाउन इजीली कर सकते हो। सुबह घूमने जाओगे, शाम को आप इजीली हमारे होमस्टे में वापस पहुँच जाओगे, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। हम जब भी फ्री होते हैं हम अपने होमस्टे के गार्डन में करते हैं प्लांटिंग। उधर से भी फ्लावर्स है, यहाँ पे भी फ्लावर्स है, और ये जब मैंने लगाया था ना उस वक्त इतना सा था, अब मैं इसके इतना हो गया हूँ। इसी के साथ साथ हमारे साथ में रिवर बहती है होमस्टे के बहुत ही नज़दीक। जैसा कि आप लोगों को पता है यहाँ पे फ्लड आया था, बहुत ही खतरनाक वाला फ्लड, उसने हमारा जो आधा गार्डन था वो डैमेज कर दी, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं मेरे, और ये कुछ ही टाइम में ठीक हो जाएगा, पहले की तरह हो जाएगा, इनफैक्ट पहले से बेटर हो जाएगा। इसका काम भी शुरू हो जाएगा अभी, मेरे को लगता है 2-3 दिनों में, वो भी मैं आपको ब्लॉग में दिखा दूंगा। दोस्तों, ये जितना भी आप एरिया देख रहे हैं ना, ये सारा आप पार्किंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। हमारे होमस्टे के बैक यार्ड में भी बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पे आप पार्किंग के लिए अपने व्हीकल रख सकते हो। यस, सिटिंग एरिया है ये, यहाँ पे बैठ के गेस्ट व्यू का एंजॉय करते हैं, स्नैक्स का एंजॉय करते हैं, फूड का एंजॉय करते हैं, जैसे कि अभी हमारी मम्मी जी एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ के क्लाइमेट की बात करूँ तो क्लाइमेट बहुत ही सही रहता है, गर्मियों में ठंडा क्लाइमेट, सर्दियों में तो बहुत ही ठंडा क्लाइमेट, तो सर्दियों में थोड़े ज़्यादा कपड़े लेके आना भाई। होमस्टे से गेट की तरफ का व्यू भी दिखा देते हैं आपको, सामने बड़े बड़े माउंटेन्स और साथ में रिवर। मैं आपको वीडियो के बीच बीच में कॉन्टैक्ट डिटेल्स शेयर करता रहूँगा, नंबर भी आपको फ्लैश हो जाएगा जहाँ पे आप कॉन्टैक्ट करके डिटेल्स एक्वायर कर सकते हो, जैसे कि क्या प्राइसिंग रहती है एक रूम की। हमारे पास दोनों तरह के रूम मिलेंगे आपको, हाई बजट रूम भी और लो बजट रूम भी। तो ये है एंट्रेंस जहाँ से हमारे गेस्ट एंटर करते हैं, पर अंदर एंटर करने से पहले मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा, जब भी मैं होमस्टे की टूर की वीडियो बनाता हूँ तो कुछ ना कुछ काम होमस्टे में चला ही होता है। तो ये वाला जो काम है ये भी हट्स का काम है, अभी तक तो हट बन के तैयार हो जाता, पर आपको पता है बीच में फ्लड आ गया था जिस वजह से काम रोकना पड़ा, तो अभी इसका काम फिर से चालू करेंगे। और उधर बैकयार्ड में भी हमारे हट्स बन रहे हैं,
तो हमेशा कुछ ना कुछ नया ही मिलेगा होम टूर की वीडियो में आपको। तो चलो अब आपको मैं अंदर दिखाता हूँ कि कैसे कमरे हैं, कैसा हॉल है और क्या क्या फैसिलिटीज आपको मिलेगी हमारे होम स्टे में। तो चलो, तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको डुप्लेक्स दिखाना चाहता हूँ। डुप्लेक्स का मतलब सेट ऑफ दो कमरे, ठीक है ना, जो कि बिल्कुल आइडेंटिकल है। तो आओ, ये है कमरा नंबर एक गाइस, और यहाँ पे आपको हर तरह की सुविधा मिल जाएगी, आपको LED मिल जाएगी, आपको फैन मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक केटल मिल जाएगी, इसी के साथ साथ आपको अपना सामान रखने के लिए मिल जाएगी ये अलमीराज। चलो दूसरे कमरे में आओ, ये रहा सेकंड रूम, बिल्कुल सेम आइडेंटिकल है। यहाँ पे भी आपको इलेक्ट्रिक केटल, LED, फैन, वही सब मिलेगा जो दूसरे कमरे में था, और वही अलमीरा में आप अपना सामान यहाँ पे भी रख सकते हो। तो दोस्तों मेरे को बताना है ना कमेंट करके कि सबसे सही कमरा कौन सा लगा आपको। अब मैं ले चलता हूँ आपको हमारी बैल्कनी के पास। ये है हमारी बैल्कनी, मेरी फेवरेट, यहाँ पे आप बैठ के चिल कर सकते हो। अब मैं आपको वो जो डुप्लेक्स कमरे मैंने आपको दिखाए थे वो बिल्कुल सामने है, कैमरामैन मोड़ दिया जाए। सारी फैसिलिटीज है, गीजर, शावर, एवरीथिंग। दोनों कमरों के लिए अभी फिलहाल एक ही वॉशरूम है, पर हम प्लान कर रहे हैं दूसरे कमरे के लिए एक अलग से सेपरेट वॉशरूम बना दें। तो ये डोर पता है कहाँ का है? ये डोरेमोन का एनीवेयर डोर है जो हमें ले जाएगा हॉल की तरफ, कॉमन एरिया आप कह सकते हैं, जितने भी कमरे अंदर है उन सब के लिए कॉमन एरिया। तो चलो, तो दोस्तों बताओ कैसा है? यहाँ पे आपको मिल जाएगी बहुत सारी प्रिमिटिव चीजें जो हमारे एंसेस्टर्स यूज करते थे देखने के लिए, शो पीस के लिए, क्योंकि हमारे होमस्टे में जो भी गेस्ट आते हैं हम उनको दिखाते हैं कि हमारे कल्चर में, पहाड़ी कल्चर में कौन कौन सी चीजें किस तरह की होती थी, कैसे यूज होती थी। तो ये आप देख सकते हैं, ये मास्क, इसकी भी एक अलग स्टोरी है, डिटेल पे जाऊंगा तो शायद वीडियो लंबी बन जाएगी, पर एक फंक्शन आता है जिसमें मेरे पूरे गाँव वाले ये वाला मास्क पहन के डांस करते हैं, तो ये भी हम दिखाते हैं। और बाकी आप यहाँ पे विजिट करके हमें डिटेल में पूछ सकते हो कुछ भी। और इनका ये भी हमारे एंसेस्टर्स यूज करते थे, और इनसे वो धागे बनाते थे, जो भेड़ होती हैं उनकी ऊन काट के उनसे धागे बनाते थे इनका यूज करके। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे कमरा है, यहाँ पे कमरा है, यहाँ पे कमरा है, एंड यहाँ पे कमरा है जिसका डोर ओपन रह गया था। तो दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ प्रीमियम कैटेगरी के रूम्स विद अटैच्ड वॉशरूम, तो उनमें से एक आपको दिखाने ले चल रहा हूँ। चलो, तो दोस्तों ये है प्रीमियम कैटेगरी रूम्स, जो कि हर एक फैसिलिटी से फिल्ड अप है। यहाँ पे आपको फैन, LED, मिरर, इलेक्ट्रिक केटल, ये सभी चीजें आपको यहाँ पे मिलेगी, और यहाँ पे आपको विंडो से व्यू मिल जाएगा डायरेक्ट सामने का। और सामने अगर देखने जाओगे तो क्या मिलेगा, गैस करो, मैं बताता हूँ, माउंटेन्स और ग्रीनरी। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं इस कमरे के साथ अटैच्ड वॉशरूम। ये है इस रूम के साथ अटैच्ड वॉशरूम, जिसमें गीजर मिलेगा, हॉट रनिंग वाटर, कोल्ड रनिंग वाटर, सब कुछ मिलेगा। और दोस्तों इस कमरे की तरह सेम हमारे पास चार और कमरे हैं, जो कि बिल्कुल आइडेंटिकल है इसी कमरे की तरह, सारी फैसिलिटीज एंड ऑल से लेकर लुक्स वाइज भी बिल्कुल सेम है, तो उनको दिखा के कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो सेम ही है इनकी तरह। तो मैंने आपको दिखा दिए हैं सारे कमरे, तो अब मैं ले चलता हूँ आपको डाइनिंग एरिया दिखाने के लिए। यहाँ से हम जैसे ही एंटर होते हैं ये आ जाता है हमारा डाइनिंग एरिया दोस्तों, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा है ये। और यहाँ पे किसी की पार्टी हो, अगर बर्थडे पार्टी हो या कुछ हो तो यहाँ पे सेलिब्रेशन होती है। अभी रिसेंटली हमारे कुछ गेस्ट आए थे जिन्होंने बर्थडे सेलिब्रेट किया था, यहाँ आप देख सकते हैं अभी तक उनके बर्थडे पोस्टर्स लगे हुए हैं। हमारे वहाँ दो किचन है, नॉन वेज के लिए सेपरेट और वेज के लिए सेपरेट। नॉन वेज वाला किचन उस तरफ को है और वेज वाला किचन इस तरफ को है। तो दोस्तों जो लोग वेजिटेरियन है वो फ्री फील होके फूड इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि वेजिटेरियन फूड के लिए सेपरेट किचन है और नॉन वेज के लिए सेपरेट किचन है यहाँ पे, सो नो वरीज। तो ये है हमारा डाइनिंग एरिया, और दोस्तों फूड इंजॉय करने के साथ साथ आप कर सकते हैं म्यूजिक इंजॉय। डाइनिंग एरिया के साथ में है हमारा बैक डोर, जहाँ से आप कुछ इस तरह बाहर निकल सकते हैं, ताज़ी हवा ले सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि हट्स का काम चला हुआ बैकयार्ड में भी, वो काम ये वाला है जो आप यहाँ देख सकते हैं। अब आपको ले चलते हैं लो बजट रूम्स की तरफ, जो कि हमारे ग्राउंड फ्लोर में है, मड हाउसेज हैं, जिनकी एक बहुत ही ज़्यादा खास बात है मड हाउसेज की, वो भी आपको बताऊंगा। तो चलो ग्राउंड फ्लोर में चलते हैं पहले। हमारा
प्यारा सा मड हाउस, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है यहाँ पे। तो ये चीजें आप देख सकते हैं, जो भी आपको यहाँ दिख रहा है सब कुछ आपको इस मड हाउस में फैसिलिटी अवेलेबल है। ये जो आप दीवार देख रहे हैं ये लाल मिट्टी का लेप किया हुआ है इसमें। और इन मड हाउसेस की खास बात पता है क्या है, ये मड हाउसेस सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडे रहते हैं, तो बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट रहता है कूल साइज के अंदर। कोई बड़ी फैमिली, जॉइंट फैमिली या फ्रेंड्स का ग्रुप जो कि प्रिफर करते हैं कि भाई हम लोग तो रहेंगे पर साथ में रहेंगे, उनके लिए है भाई ट्रिपल रूम सेट, जो कि बहुत ही बेहतरीन है, आप लोगों को कनेक्टेड भी रखेगी और बहुत बढ़िया कोजी फील देगी। तो चलो आओ, ये है दोस्तों ट्रिपल रूम सेट का फर्स्ट रूम। यहाँ पे आपको जैसा कि आपको पता है LED वगैरह सब कुछ वही सब सारा सामान मिलेगा, सारी अवेलेबिलिटी। इसके साथ आपको सेकंड रूम दिखाता हूँ। आप ये है सेकंड रूम, तो आप देख सकते हैं ये काफी बड़ा है साइज में। तो अब हम आपको इसके साथ जो थर्ड कमरा है अटैच, अगेन वो एक मड हाउस है, तो वो दिखाने जा रहा हूं। तो आओ, ये आप देख सकते हैं दोस्तों, इन तीनों कमरों के सेपरेट वॉशरूम्स है। तो दोस्तों ये था ट्रिपल रूम सेट हमारा, जो कि बहुत ही बढ़िया है। इस ट्रिपल रूम सेट के साथ एक और बहुत अच्छी चीज है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, वो है बालकनी जो कि बाहर की तरफ है। चलो दिखाता हूं। ये देखिए दोस्तों, ये है ट्रिपल रूम सेट के साथ जो बालकनी है, या सिटिंग एरिया भी इसे कह सकते हैं। अगर ठंडी हवा लेना चाहते हो, बाहर जाना चाहते हो, तो आपको सिंपली ऐसे करके निकल जाना है गाइस। यहां से आपको दिखेगा डायरेक्ट व्यू। तो दोस्तों ये था हमारा प्यारा सा होम स्टे, आई होप आप लोग यहाँ पे विजिट करोगे, हमें मेहमान नवाजी का मौका दोगे। और जो लोग कहते हैं कि हाई प्राइसिंग रखते हो, लूटने का काम करते हो, आप मेरे होम स्टे आओ, अगर कोई भी चीज़ आपको हाई प्राइस में लगेगी तो आप कहना, ऐसा कुछ नहीं है, जो भी चीज़ जेन्युइन होगी वही आपको बताया जाएगा। अब मैं हो रहा हूँ लेट क्योंकि मैंने जाना है वापस चैल चौक जहाँ पे मैं पढ़ाई करता हूँ, मैं अभी निकल रहा हूँ बस थोड़ी देर में। तो ये था आज का वीडियो, तो कैसा लगा आपको आज की भी इस वीडियो को देखकर, अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करना। और जो भी सब्सक्राइबर मेरे ब्लॉग के थ्रू आएगा, जो भी हमारा सब्सक्राइबर होगा उसको स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा, तो मिलेंगे भी। बाकी थैंक यू सो मच आज की वीडियो देखने के लिए, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय।